वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द एसएससी सीएसएल 2018 क्रैक का जो सेट सीरीज मैं चला रहा हूँ। सेट में ये फर्स्ट सेट है जिसमें हम इंग्लिश के देखेंगे। ऑलरेडी मैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये सारा कवर करा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे ऐसा कराया जा रहा है। तो देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखो, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है कि देखो, ये आपको एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसमें से आपको बेस्ट सुटेबल वर्ड चुनना है। कह रहा है कि ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ओबिजियस मीनिंग। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा अर्थ जिसका हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वो ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब यही चीज़ होता है कि ओपन टू वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ओबिजियस मीनिंग। तो अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बाकी सारे चीज़ की भी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप कभी भी कर नहीं पाओगे। और ऐसे चीज़ें देखो, सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एम्बिगियस का मतलब तो ये होता है, आपको पता होगा। ट्राइट मतलब क्या होता है? देखो, ट्राइट मतलब होता है लैकिंग ओरिजिनलिटी, मतलब कुछ ओरिजिनल ना हो, उसमें कुछ ना कुछ लैक हो, ठीक है, लैकिंग ओरिजिनलिटी। एक सेकेंड, ओ आर आई जी आई एन ए एल आई टी, लैकिंग ओरिजिनलिटी, या इसको बोल सकते हैं फ्रेशनेस, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ कमी हो। अपोजिट का मतलब आपको पता है कि उल्टा। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा अर्थ जिसका हो उसको बोलते हैं ये चीज़ें कि एम्बिगियस। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल, जिसका हम यूज ही ना कर सकते, मतलब एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्शनल का मतलब क्या कहते हैं, जैसे सब कुछ सब एक तरह से काम कर रहे हैं, वो अपना डिफरेंट ही, वो उसके बाद अनयूजुअल, अनकॉमन जिसको बोल सकते हो, ठीक है, अनकॉमन। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर का राइट आंसर क्या होगा? एम्बिगियस। आपको सारे मीनिंग आपको लिख लेने हैं, आप जाके यहाँ से लिख लो कि लैकिंग ओरिजिनलिटी या फ्रेशनेस। अपोजिट का मतलब मैंने लिखवाने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आपको सारे लोगों को अपोजिट मतलब उल्टा। एक्सेप्शनल मतलब अनकॉमन, जिसका हम यूज नॉर्मल कॉमन पे नहीं करते, एक्सेप्शनल केस में करते हैं। एम्बिगियस का मतलब होता है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब जिसका एक से ज़्यादा अर्थ हो जाए, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। देखो, अब ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, तो मैं बोलूँ डिवियंस का मतलब यहाँ पर राइट, ये चीज़ डिवियंस एक राइट स्पेलिंग लिखा हुआ है, बाकी सारे के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ह्यूमनॉइड का मतलब क्या होता है? ह्यूमनॉइड का स्पेलिंग क्या होगा मैं बताता हूं, एच यू एम ए एन ओ आई डी, एच यू एम ए एन ओ आई डी, ठीक है, ह्यूमनॉइड, ई नहीं होता, यहां पे गलत लिखा हुआ था, ठीक है। रिक्शा का स्पेलिंग क्या होगा? आर आई, ठीक है, सी के एस एच ए डब्ल्यू, ठीक है। देखो, आर आई सी के, सी यहाँ पे मिस्टेक था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। डेवियंस सही लिखा हुआ था। वर्च्यू, वी आई आर टी, ठीक है, इसका स्पेलिंग टी यू ओ यू एस होता है, टी यू ओ यू एस, यहाँ पे देखो टी यू ओ यू एस नहीं था, टी यू ओ यू एस, ये इसके चलते ये गलत था। यानी कि रियल मीनिंग जो करेक्ट स्पेलिंग था डेवियंस होता, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें, आपको ये सब चीज़ें कैसे आएगी, जब आप वोकैबलरी पढ़ोगे तब आएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप रियल में वोकैबलरी पढ़ोगे तभी आपको करेक्ट स्पेलिंग सीख सकते हो। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द एंटोनिम, मतलब उल्टा लिखना है। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब क्या होता है? आप सोचो वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है। देखो, वाइब्रेंट का मतलब होता है आपको जीवन, जीवनित, या जिसको बोलते हैं कि फुल ऑफ एनर्जी या लाइफ, ठीक है। वाइब्रेंट का मतलब होता है जिसको बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो जीवनित बोल सकते हैं, जीवनित, ठीक है। अब देखो, इसका उल्टा क्या होना चाहिए? इसका उल्टा का मतलब देखो, जीवनित मतलब एकदम जिंदा की तरह, एकदम चमक रहा है, ठीक है। ड्रैब का मतलब क्या? चमक खो जाना, ठीक है। यानी कि लैकिंग, कुछ ना कुछ लैक है, ठीक है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ उसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम है। जैसे लैकिंग, मैं बोल दूँ कि लैकिंग ब्राइटनेस, चमक का खो जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ गोजी क्या होता है, वो चीज़ बता दूँ, ये होता है कि उसके पास कुछ ना कुछ ब्राइटनेस है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके पास जीवनित है। जेजी का भी मतलब होता है ब्राइट या कलरफुल के सेंस में होता है, कलरफुल के सेंस में भी ये होता है। और विविड का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसिंग फीलिंग स्ट्रांग, अपनी, देखो मैं एक बार, प्रोड्यूसिंग फीलिंग स्ट्रांग,
आप अपने से लिख लेना ताकि मैं ये चीज़ लिखने में इतना टाइम ना लगाऊं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करा पाऊं। तो वाइब्रेंट का एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब ये देखो सारे एक समान है कि फुल ऑफ एनर्जी, जीवनिट, ब्राइटनेस, समथिंग, ड्रैब इज द राइट आंसर, कि चमक का खो जाना, ठीक है, डैट इज द राइट आंसर, इसका एंटोनिम ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या करा कि इफ यू आर कोच यूजिंग ए कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन देन इट विल बी। अब देखो ये सारे चीजें आपको कह रहा है कि इफ यू कोच यूजिंग ए कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन देन इट विल बी, ठीक है, इट विल बी कह रहा है कि आपके पास, देखो क्वेश्चन आपको समझ में बहुत ही आसानी से, इसमें कह रहा है कि आपके पास करेक्ट करेक्ट आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। करेक्ट लिखने का मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ को जब तक, जैसे देखो अगर आप कभी भी यूज करोगे कैलकुलेटर एग्जाम में, ठीक है, ला दिए आपने तो आपको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को जब्त कर लेना अथॉरिटी द्वारा जब्त कर लेना उसको कहलाता है। तो यहाँ पे इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो कॉन्फिसिकेट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ को जब्त कर लेना, ठीक है। और टेकन, नॉर्मल केस में हम टेकन, ये जो होता है ये अथॉरिटी, लीगल वे से आपको जब्त कर लेना होता है, अंडर प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, ठीक है, कॉन्फिस्केटेड भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा यहाँ पे बेस्ट आंसर जो होगा कॉन्फिस्केट होगा, क्यों, इसका मतलब होता है कि लीगली रूप से आपको जब्त कर लेना। जैसे आप कोई भी एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाओगे तो आपका कैलकुलेटर को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आपको नरेशन के क्वेश्चन है। नरेशन के क्वेश्चन क्या करा है, प्लीज डू नॉट हिट मी रीता सेड टू अटैकर, ठीक है, प्लीज डू नॉट हिट मी रीता सेड टू अटैकर। तो देखो सबसे बड़ी चीज है कि आपको सबसे बड़ी चीज इसमें आनी चाहिए, आपको नरेशन वॉइस, अगर ग्रामर आपकी वीक है तो मैं अगेन आपको बता दूं कि आप एक बुक्स ले लो, प्लिन टू पारामाउंट बुक्स वॉल्यूम 1 ले लो, नीतू मैडम की बुक्स है, इसको कंप्लीट कर जाओ ताकि आपका ग्रामेटिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाए। इसमें कुछ नहीं था, सबसे आसान क्वेश्चन था। देखो अब क्वेश्चन कहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, रीता बेग्ड, देखो प्लीज का यूज होगा तो बेग्ड लगेगा ही, रीता बेग्ड द अटैकर टू नॉट टू हिट हर, यहाँ पे देखो रिमूव टू प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे रिमूव टू को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे टू को हटाना पड़ेगा, ये रिमूव ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। रीता टोल्ड द अटैकर टू नॉट हिटर, यस यहाँ पे ये देखो नॉट हिटर, यहाँ पे टोल्ड लग गया ऑलरेडी है कि प्लीज का वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता चला, अगर नरेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा टोल्ड नहीं यूज होगा। रीता बेग टू अटैकर नॉट टू हिटर, यस दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे क्या, रीता प्लीडेड विथ द अटैकर टू नॉट टू हिटर, यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ गई, रिपोर्टिंग स्पीच की प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ से ये भी चीज़ नहीं हो सकता। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे रिमूव टू एक्स्ट्रा टू था इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे देखो प्लेडेड विथ का प्रयोग हम नहीं कर सकते थे, बेग्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे चीज़ आपको गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइनोनिम ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी सबसे पहले आपको अगेन मैं बता दूं, आपको साइनोनिम एंटोनिम आपको पता होना चाहिए, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, आप जितनी ज़्यादा वोकैब पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट करते चले जाओगे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करते चले जाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अब देखो डिग्निटी मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बींग वर्दली ऑफ ओनर रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बिहेवियर आपकी होनी चाहिए, द स्टेट ऑफ क्वालिटी बींग वर्दी या ओनर्स और रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको सारा चीज़ बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसका साइनोनिम का मतलब क्या, सीधा मीनिंग, जो इसका मीनिंग है वही चीज़ इसका मीनिंग भी होना चाहिए। तो देखो अब बात आती है कि देखो डिसियंसी मतलब क्या होता है, आपको मैं बोलूं कि देखो डिसियंसी इसका साइनोनिम वर्ड है, जो इसका मीनिंग होता है कि द क्वालिटी ऑफ बींग दैट विल बी रिस्पेक्टेड, सेम इसका मीनिंग हो, इमोरल मतलब मतलब नॉर्मल मोरल की तरह नहीं। प्राइवेंसी मतलब क्या होता है, प्री इमिनेंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या जिसको बोलते हैं द फैक्ट ऑफ बींग प्री इमिनेंट मतलब पहले से ही ये चीज़ किया हुआ है। चार्जिन मतलब होता है आपको हैविंग फेल्ड टू बी मतलब बीन
हैमिलेशन के फॉर्म में होता है, हैमिलेटेड के फॉर्म में होता है, तो ये भी चीज़ नहीं हो पाएगी, ये भी नहीं, इसका सेम जो मीनिंग होगा डिसियंसी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आपको नहीं भी पता है, आप देखो हिंदी मीनिंग मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आपको नहीं पता है तो आप क्या करना, हर चीज़ का मीनिंग डिक्शनरी में देख के राइट डाउन कर लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर समझ में आ जाए, और इसको कोरिलेट करो। जैसे देखो मेरे को पता है डिग्निटी मतलब डिसियंसी, इसका सेम बाकी इमोरल नॉर्मल वे से नहीं हो, ये चीज़ें भी थोड़ी सी हेटेड फॉर्म में बोली जाए, प्रिवेंसी मतलब कि इमिटेड पहले से ही वो चीज़ हो नहीं, तो इसका मतलब ये चीज़ है डिग्निटी, ठीक है। द राइट आंसर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82। देखो क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है आपको, कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग। देखो अब एक चीज अगेन आपको बता दूं, यहां पे लिखा हुआ है इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इससे पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल होते हैं ए एन दी, तो यहां पे आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए पार्ट ए में इरर है, तो पार्ट ए इज द इरर, यहां पे इरर स्पॉटिंग फाइंड आउट करना था, अगर इरर नहीं होता तो इरर डी यानी कि पार्ट ए में इरर है, यहां पे द इंडियन डिफेंस फोर्सेस यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द साइनोनिम ऑफ डिफिकेट। अब देखो सारे चीज की मीनिंग आपको अगेन पता होनी चाहिए, डिफिकेट मतलब क्या होता है, देखो डिफिकेट का मतलब मैं बता दूं, देखो डिस्चार्ज, ठीक है, डिफिकेट का मतलब होता है डिस्चार्ज फीसेस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, मतलब कुछ चीजें डिस्चार्ज कर देना बॉडी से, ठीक है। चेफ, अब देखो सारे चीज का मीनिंग मैं बताता हूँ, चेफ चेफ मतलब होता है रबिशिंग या रिफ्यूज, रिफ्यूज या वेस्ट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है आपको पुट आउट, पुट आउट करते हैं ना, क्वेंच पुट आउट, ठीक है। इग्नेस्ट, इग्नेस्ट का मतलब क्या होता है, टेक इनटू द बॉडी, टेक इनटू द बॉडी, ठीक है। और सीक्रेट, सीक्रेट मतलब होता है, सीक्रेट मतलब होता है प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज ऑफ ए सबस्टांस, ठीक है। तो ये चीजें अब बताओ, मैंने अभी बताया था डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडीज, तो ये इसका राइट आंसर जो क्या होगा, सीक्रेट हो जाएगा। इस तरह से आप इसके सारे की चीजें वेस्ट फॉर्म के मतलब टेकन टू, टोकन इन टू द बॉडी, बॉडी से कुछ लिया जाए उसको बोलते हैं इग्निस्ट, क्वेंच बोलते हैं, पुट आउट मतलब कुछ भी ले लेना, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग्स, दैट इज द मेन थिंग्स इज द साइनोनिम ऑफ द सीक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। देखो अब आपके पास चीज है बारगंडी, ठीक है, पेनेसिया, रिवॉल्वर एंड कैंटीन। देखो तो सारे चीज की देखो कौन कौन सा है स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग है पेनेसिया, पेनेसिया मतलब हो क्या होता है रामबाण, मतलब कि लाखों रोगों की एक दवा, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है पेनेसिया, पेनेसिया मतलब होता है रामबाण, ठीक है। तो इस तरह से पेनेसिया जो वर्ड लिखा हुआ है सारा सही लिखा हुआ है। बर्गंडी का स्पेलिंग क्या होता है मैं बताता हूं, बी यू आर जी यू एन डी वाई, ये होता है। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर में आपको मैं बता दूं, रिवॉल्वर में कहां पे गलत लिखा हुआ था, देखो आर ई वी ओ एल वी ई आर होता है, आर ई वी ओ एल वी ई आर, यहां पे भी होता है, ये गलत लिखा हुआ था। कैन देखो कंटिन्यू, यहां पे देखो कंटिन्यू लिखा हुआ था, कंटिन्यू को इतना गलत लिखा हुआ था, कंटी एन यू ई, तो कंटिन्यू सी ओ होना चाहिए, सी ओ एन टी आई एन यू ई, तो ये भी गलत लिखा हुआ था, यानी सिर्फ पेनेसिया जो लिखा हुआ था वो चीज़ सही लिखा हुआ था, बर्गंडी ये चीज़ राइट मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें अप्रोप्रिएट आंसर बनना है। देखो अब अगेन, एंड माई यंगर ब्रदर वेंट टू मूवी ऑल बाई आवर सेफ। देखो एक चीज याद रख लेना, यहां पे आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आई यू समथिंग, लेकिन यहां पे माई ब्रदर है, आई का जो माई होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहां पे अगर माई यंगर ब्रदर लिखा हुआ तो यहां पे क्या ऑप्शन आएगा, आई, आई इज द राइट आंसर, माइन नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, माई ओन सेल्फ भी नहीं यूज कर सकते, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना यू एंड, लिखते हैं ना यू एंड योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, उसी तरह लिखते हैं आई एंड माई ब्रदर, ठीक है, यू एंड योर सिस्टर, तो यहां पे जो वर्ड आएंगे यहां पे आई यूज होगा, ठीक है, ऑप्शन में आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
देखो नेक्स्ट क्या है, ये आपको पाराजंबल्स आ गया। पाराजंबल्स बहुत ही आसान होता है, आप थोड़ा सा माइंड में देखो। क्वेश्चन करा है द ट्रूथ अबाउट दीज, देखो अब थोड़ा सा आप सोचो। द ट्रूथ अबाउट दीज डाइफंक्शनल डाउन स्केल, यानी देखो थोड़ा सा आपको माइंड में, दीज कमिटीज डेट डाइफंक्शनल डाउन स्केल दे डिजर्व टू डाई, नो द ट्रूथ अबाउट दीज। इसके बाद पता चल रहा है कि डाइफंक्शनल क्या, ट्रूथ अबाउट दीज मतलब किस तरह से आपका डाउन स्केल हो गया आपकी ट्रूथ, अबाउट दीज डाइफंक्शनल डाउन स्केल कम्युनिटी इज टू दे डिजर्व टू डाई। यानी कि सबसे पहले आपको आना चाहिए आर। आर देखो आर किस में ऑप्शन में है, एक तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं कट गया। आर के बाद अब तुमको डाउन स्किल, डाइफंक्शनल डाउन स्किल के बाद आएगा कम्युनिटी, कम्युनिटी इज डैट, कम्युनिटी इज डैट। अब देखो कौन सा आएगा, पी, आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, डे डिजर्व टू डाई। लो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कभी भी याद रखो, पारा जंबल में हमेशा लिंक पकड़ते हैं एक दूसरे से, लिंक पूरी मीनिंग अगर निकालने लगे प्रॉब्लम्स आने लगे। द ट्रूथ अबाउट दीज डाइफंक्शनल डाउन स्केल कम्युनिटी इज डैट दे डिजर्व टू डाई, मतलब उनको ऐसा पाया गया ट्रूथ कि वो मरे हुए डिजर्व करते हैं कि इतनी मरी हुई हालत की तरह। ठीक है, डाउन स्कूल इतनी बुरी स्थिति आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 87, 87 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 87, 87 कह रहा है कि इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो अब क्वेश्चन में 87 में कह रहा है कि द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड अवे बाई द रैश ड्राइवर। देखो दो चीजें आपको मैं बता दूं यहाँ पे, देखो अवे बाई, कोई भी, द अनफॉर्चुनेट वॉज नॉक्ड अवे बाई, यहाँ पे अवे बाई का यूज ना करके आपको यूज करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा चीज ये, देखो कोई भी चीजें आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आउट बाई का यूज करना पड़ेगा। क्यों, ये आपको फ्रेजल वर्ब में भी आपको काम आएगा कि कैसे अवे बाई का यूज नहीं करना है, आउट बाई का यूज करना है। ठीक है, देखो आउट बाई का यूज होता है कि मतलब हम कुछ भी स्ट्राइकिंग या कुछ भी हम कर लेते हैं ना, कोलाइडिंग विथ किसी के साथ, तो अनफॉर्चुनेट उसको नॉक करते हैं तो उसको बोलते हैं आउट बाई का यूज करते हैं उस टाइम। ठीक है, तो देखो द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड अवे बाई, नहीं दूर नहीं, अवे बाई का यूज ना करके हम यूज करेंगे आउट बाई का यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आउट बाई। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं नॉक्ड, नॉक्ड आउट बाई का मतलब क्या होता है, हिट करके चला गया, हिट करके चला जाना, मतलब कोई रैश ड्राइवर है उसने क्या किया, नॉक करके मतलब किसी ने करके चला गया उसने। ठीक है, तो इस तरह से हम आउट बाई का यहाँ पे यूज करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउट बाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सम, ये भी क्वेश्चन आपको आइडियम्स एंड फ्रेज है। देखो क्वेश्चन कर रहा है समथिंग वाइडली फियर्स एज पॉसिबल डेंजरस अक्रेंस। देखो इसका मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 88 कह रहा है कि समथिंग वाइडली फियरनेस एज पॉसिबल एज डेंजरस ऑक्रेंस। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ से इतनी ज़्यादा फियर, पॉसिबल डेंजरस अक्रेंस को सोच के होने लगी, समथिंग वाइडली फियर। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रीट, स्पेक्ट्रीट। मतलब इसका मतलब ये है, अब सारे की मीनिंग मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि कैसे आपके चीज़ें आप करोगे। देखो बेग्यूल मतलब होता है आपको चार्म से रिलेटेड, चार्मिंग जैसे, मोनोलिथ मतलब होता है आपको ए लार्ज मतलब स्टोन, कोई भी एक बड़ा स्टोन, एक सिंगल स्टोन, मतलब मोनो का मतलब, देखो आपको थोड़ी सी लिथ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मोनोलिथ, लिथ स्ट्रेट वर्ड है स्टोन से। ठीक है, स्टोन और मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, तो एक लार्ज सिंगल स्टोन को बोलते हैं, एक तरफ से बोल सकते हैं मोनो। कैनी, कैनी मतलब होता है हैविंग एंड शोइंग श्रेयर डेंस एंड गुड जजमेंट, इसको बोलते हैं हैविंग और या शोइंग ड्रेस, ड्रेसनेस एंड गुड जजमेंट, मतलब अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो यहां पे ऑप्शन स्प्रिट, स्प्रिट मतलब ही होता है आपको कि ऐसे चीजें जिससे आपको थोड़ा सा डर लगे, डेंजरस अक्रेंस, ठीक है, फील हो। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 89 आपके पास क्या कर रहा है, द लैंड लॉर्ड कुड नॉट टेल विच इज द सर्वेंट, विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। द लैंड लॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास, ये तो राइट है, राइट है, इसमें कोई इरर ही नहीं है। कह रहा है कि जो, देखो
करा कि उसने क्या कर पाया कि उसने जिसने ग्लास तोड़ पाया ब्रोक द ग्लास सर्वेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड फाइंड ही आउट नहीं कर पाया कि कौन सा सर्वेंट ने ग्लास तोड़ दिया। तो इसमें तो कोई मतलब इरर मैच ही नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही किसी भी पार्ट में, तो इसमें क्या हो जाएगा अगर इरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इज इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या कर रहा है। देखो वन शुड गेट ट्रेंड टू प्रिपेयर वंस ओन ब्रेकफास्ट। जब भी कोई आपको प्रिपेयर करना है आपको ब्रेकफास्ट तो आपको ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी हैबिट आपकी क्या होनी चाहिए हैबिट बन जा यूज टू हो जाना चाहिए ना, यूज टू का प्रयोग करोगे कि आपकी आदत हो जानी चाहिए कि आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो यूज टू आपको यूज करोगे नॉट फॉर द ये है नॉट फॉर द ट्रेंड। ट्रेंडिंग ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आपने ट्रेनिंग लिया उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि ट्रेनिंग लेने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेंड का यूज ना करके आपको यूज टू हो जाना चाहिए, आपको यूज टू ब्रेकफास्ट के लिए यूज टू हो जानी चाहिए डेली की, मतलब आपको ब्रेकफास्ट बनानी ही ऑन सेल्फ प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यूज टू का आसानी से यूज, ये डायरेक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है आई यूज टू प्रिपेयर ओन ब्रेकफास्ट, समवन शुड बी यूज टू प्रिपेयर ओन लंच ओन्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ये चीज़ें आपको यूज टू का प्रयोग करना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखो, 91 क्वेश्चन में क्या करें, एक्टिव पैसिव वॉइस दिया गया है आपके पास, करा कि मिस्टर देखो वैजयंती टीचेज अस इन लिटरेचर, क्वेश्चन करें मिस्टर वैजयंती टीचेज अस लिटरेचर। तो आप देखो अब आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है, इसका बनेगा जब भी देखो, अब देखो वी हैव वी, अब देखो यहाँ पे ये क्या है सब्जेक्ट है वर्ब है और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अस भी ऑब्जेक्ट है एक लिटरेचर भी ऑब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ी सी सोचना चाहिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनेगा तो आपको क्या इज लगाना पड़ेगा, लेकिन बिंग का हम यूज ही नहीं करेंगे, बी सी ऑलरेडी आपको खत्म हो गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉरी एक सेकेंड, बिंग का यूज हम करेंगे या नहीं करेंगे थोड़ा सा देखो, अगर हम बात करते हैं इसकी देखो, हाँ एक सेकेंड देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, ठीक है देखो, हाँ तो देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो देखो अब वी हैव बीन, ये तो देखो यहाँ पे हैव बीन का तो हम यूज करेंगे ही नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का पार्ट है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का पार्ट है तो हमें ये चीज़ तो यूज कर ही नहीं सकते। अब ऑब्जेक्ट अस भी हो सकता है लिटरेचर भी हो सकता है, आगे देखो लिटरेचर इज बींग टॉट बाई मिस्टर वैजयंती टू अस, लिटरेचर इज बींग टॉट टू अस, देखो बाई मिस्टर वैजयंती लिटरेचर इज टॉट बाई मिस्टर वैजयंती टू अस, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि इज टॉट, देखो आपको थोड़ी सी माइंड में ये रखनी पड़ेगी, देखो थोड़ा सा आप ये सोचो कि यहाँ पे इज के बाद आपको बींग का यूज करना पड़ेगा, और दूसरी चीज यहाँ पे देखो लिटरेचर इज बींग टॉट बाय मिस्टर जेंटी टू अस, यहाँ पे ऑड लग रहा है इसीलिए हमें टॉट टू अस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा टॉट टू अस बाई मिस्टर वैजयंती डैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगेन बता दूं लूस ये आप कर लो प्लिन टू पैरामाउंट की बुक से कर लो, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड नायरेशन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो डीप सीटेड, डीप सीटेड का मतलब क्या होता है, देखो एंटोनीम ऑफ ये डीप सीटेड टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी मतलब क्या होता है समटाइम्स, डीप सीटेड मतलब बहुत अंदर तक अंदर गहराई तक उसके पास मतलब नॉलेज जो भी, इन द सेंस डीप सीटेड का मतलब यही चीज है। देखो क्रोनी, क्रोनी का मतलब क्या है, क्रोनी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म तक, किसी चीज को लॉन्ग टर्म तक याद रखना। टेम्प्रोरी का मतलब क्या होता है शॉर्ट टर्म। इनब्रीड, इनब्रीड का मतलब क्या होता है एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही, ठीक है। सबकॉन्सियस, सबकॉन्सियस मतलब क्या, अपने माइंड को इमीडिएटली मतलब क्या कि एक्सट्रीमली एग्जिस्टिंग इन ए माइंड, सबकॉन्सियस माइंड मतलब बोलते हैं ना कि अपने माइंड में सोचना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या डीप अंदर तक सोचने की बात बोल दी जा रही है, यानी कि सारे में लॉन्ग टर्म ये नहीं हो सकता क्योंकि ये साइनोनिम है इसके, ये भी साइनोनिम है, ये भी साइनोनिम है, ये क्या है टेम्प्रोरी इज द शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए, तो डैट इज द इसका एंटोनिम, इसके अपोजिट आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा टेम्प्रोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या होता है बर्दाश्त करना, जीरो मतलब कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना,
ठीक है। जीरो टॉलरेंस का मतलब यही होता है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। देखो इसका आप डीप सीटेड का अगर हिंदी मीनिंग जानेंगे तो बहुत अंदर बसा हुआ, देखे बहुत अंदर तक बसा हुआ, ठीक है। आप राइटिंग पे मत जाना, आप फोकस करना इस पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज टेम्प्रोरी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, आप इतना जरूरत भी नहीं थी क्योंकि एंटोनिम पूछ रहा था, टेम्प्रोरी डायरेक्ट आप ऑप्शन ले सकते थे। देखो जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है, देखो जीरो टॉलरेंस का मतलब कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। अब कह रहा है कि एक्यूरेसी इज पारामाउंट, ठीक है, नो नॉन एक्सेप्टेड ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, लो आ गया ना तुम्हारे पास कि हमें कोई भी चीज़ नॉन एक्सेप्ट, कोई भी चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नो रिटर्न विदाउट रिस्क, गलत। नो प्रॉब्लम एट ऑल, गलत। एक्यूरेसी पैरामाउंट इज गलत। आपके पास बेस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन करा आइडियम्स एंड फ्रेज का, नॉन एक्सेप्टेबल ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, मतलब कोई भी चीज़ हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, डू नॉट बी एक्सेनियस अबाउट, ठीक है। देखो एक्सोनियस अबाउट का मतलब क्या होता है वो चीज मैं बताता हूं। देखो आपको थोड़ी सी, देखो मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, प्रोनाउंसिएशन मेरी ऑलरेडी रफ है, आपको अंडरस्टैंडिंग से मेन मतलब है। देखो जैसे आपको थोड़ी सी सोचो, कब क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके पास कि डू नॉट एक्सेनियस अबाउट, ये फ्रेजल वर्ब आ गया, सॉरी पैराजंबल के क्वेश्चन है, इसमें पैराजंबल में कैसे आप डील करोगे क्वेश्चन को, डू नॉट एक्सेस अबाउट। अब देखो मैं पैराजंबल का हमेशा बात बोला हूँ कि आपको लिंक पकड़ना है, कभी भी पूरी मीनिंग जानना ही नहीं। देखो हम कहते हैं ना टॉक अबाउट एनी थिंग, कुछ भी बोलते हैं ना टॉक अबाउट एनी थिंग, कुछ भी समथिंग, यानी कि अबाउट के बाद जब हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एनी थिंग, ठीक है। अब देखो तो अबाउट थैंक्स सेविंग तो हो नहीं सकता, टॉक अबाउट एनी थिंग बट इट एवरी सिचुएशन बाई प्रेयर थैंक प्रेयर एंड पेशेंस विथ थैंक सेविंग प्रेजेंट योर रिस्पेक्ट टू गॉड, रिक्वेस्ट टू गॉड। अब देखो सिंपल सच की मतलब कि हमें अपनी सिचुएशन के बारे में अपने प्रेयर से करनी चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए कि जो भी हम रिक्वेस्ट से कर रहे हैं थैंक गॉड कि वो मेरी लाइफ को सेव कर पाए, ठीक है, सेव करें। तो इसके लिए सबसे पहले देखो आर, आर किस में आ रहा है, आर एक ही ऑप्शन में आ रहा था ना, तो आर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 94 का डी हो जाएगा। इसमें करने की जरूरत नहीं थी इतनी, आपको टॉक्स अबाउट एनीथिंग पे जाना था डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत नहीं, सारे में आर सबसे पहले कौन सा था, डी, डी ऑप्शन चूज कर सकते। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए कि हमें अपनी सिचुएशन को प्रेयर करनी चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए कि गॉड हमारे लाइफ को थैंक फॉर सेविंग, मतलब थैंक्स सेविंग प्रेजेंट इन योर, कि मेरी आने वाली प्रेजेंट टाइम मेरी गॉड से रिक्वेस्ट करो कि सेव हो सके, बस इतना अच्छी, इसकी मीनिंग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 95 क्या कर रहा है, वेराइटी इज द स्पीसीज ऑफ लाइफ। देखो आइडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, इसका आइडियम्स एंड फ्रेजेज का मतलब क्या, आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि न्यू देखो क्वेश्चन कर रहा है वेराइटी इज द स्पीसीज ऑफ लाइफ, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस मेक द मोर इंटरेस्टिंग, यस कह रहा है कि मतलब आपकी वेरिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ लाइफ, स्पाइस ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब ये है कि न्यू एक्सपीरियंस इज मोर इंटरेस्टिंग, डैट इज द, देखो एक्सपेरिमेंट मे बी रिस्की, नो, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, नो, देयर इज नो विदाउट एक्साइटमेंट, गलत। यानी कि हम वेराइटी का मतलब अपनी लाइफ को बार बार वेराइटी को मतलब चेंज करते रहें, इसकी मतलब क्या, न्यू एक्सपीरियंस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, ताकि अपनी लाइफ को हम क्या करें, मोर इंटरेस्टिंग बना सकें। इस आइडियम्स एंड फ्रेज का मेन मीनिंग यही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखो ये आपको है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट आपको क्या कर रहा है, जैसे देखो क्लोज टेस्ट में आपको 96 फिलअप करना है, 97, 98, 99 एंड 100 पांच क्वेश्चन थे, करेक्ट। पोर्टलेस, पोर्टलेस मतलब इसका मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, एंड आगे एंड प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स मतलब क्या है, जो बाहर सड़क के सामने स्पीड बड़े बड़े ये लगा दिए जाते हैं जिसकी चलते स्पीड को कम किया जा सकता है, आल सेप्ट एंड साइज ऑन द सिटी स्ट्रीट हैड बिकम हेल्थ, मतलब इनकी वजह से जो गड्ढे हैं और स्पीड ब्रेकर्स हैं, आल सेप एंड साइज स्ट्रीट्स हैविंग द बिकम ए हेल्थ फॉर टू व्हीलर राइडर्स, मतलब क्या है कि टू व्हीलर राइडर्स के लिए ये चीज़ें
दिक्कत वाली चीजें हैं, निगेटिव सेंस है. फ्रॉम कट एंड ब्रेनर्स मतलब निगेटिव देखो आ रहा है, ब्रेनर्स ओन्स एंड ए विजिट टू इमरजेंसी रूम टू सीरियस मतलब टू व्हीलर्स के लिए खतरा बना हुआ है, जो गड्ढे होते हैं और ये जो स्पीड ब्रेकर्स लगे होते हैं. बैक टू नेक्स रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन गड्ढे है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. देखो पोर्टलोट्स मतलब गड्ढे है बिकम एन फॉर दोज ऑन द रोड मतलब, ठीक है, आगे पढ़ो. डॉक्टर्स रिपोर्ट एंड इंक्रीज इन द पेशेंट मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि पेशेंट इंक्रीज करते हैं इंजूरी एंड सीरियस बोन रिलेटेड प्रॉब्लम इन द मानसून. मानसून जब बरसात का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे केस आते हैं. कह रहा है कि गड्ढा और देखो अब यहाँ पे देखो गड्ढा और देखो गड्ढा और स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पे देखो गड्ढे पोर्टलोट्स एंड क्या होगा हबजार्डली रिस्क क्रोनिक, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक नहीं, हेल्थ रिस्क, हेल्थ रिस्क भी नहीं हो. देखो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन देखो कहाँ पे है, 96 का ऑप्शन ये दिया हुआ है. देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि पोर्टलोस्ट एंड 90 प्लेस्ड सीट्स ब्रेकर हैव द शेप एंड साइज ऑन द सिटी स्ट्रीट हैव द बिकम ए हेल्थ मतलब कि अब जो ये गड्ढे लगा दिए जाते हैं और गड्ढे एंड स्पीड ब्रेकर ये क्या हबजार्डली तरीके एक्सीडेंटली थोड़े ना जानबूझ के थोड़े ना कॉजली नहीं रेंडमली थोड़े ना लगाया जाता है, हबजार्डली मतलब ऐसे इधर उधर कर दिया जाता है हबजार्डली मैनर में ताकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है. तो यहाँ पे 96 का ए आ गया. अब क्वेश्चन कर रहा है स्ट्रीटेड हैव ए बिकम ए हेल्थ फॉर टू व्हीलर राइडर्स, टू व्हीलर राइडर्स के लिए क्या है एक हबजार्ड है मतलब कि टू व्हील देखो टू व्हीलर राइडर के लिए क्या है खतरा बना हुआ. हबजार्ड का मतलब क्या होता है खतरा बना हुआ है, जो गड्ढे हैं और स्लॉट स्लॉट हैं उसके लिए क्या टू व्हीलर के लिए खतरा बना हुआ है. तो यहाँ पे क्या होगा हबजार्ड, हबजार्ड मतलब क्या होता है खतरा बना, रिस्क नहीं थ्रेट्स नहीं डेंजर, डेंजर का होगा लेकिन यहाँ पे इस तरह का हम यूज करेंगे सुटेबल वर्ड हबजार्ड. तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इन द सेंस क्योंकि हबजार्डली तरीके से ये होता है इसलिए. फ्रॉम कट्स एंड ब्रेनस ओन्स एंड ये चीज़ें लिखी हुई है इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है. बैक टू बैक रिलेटेड अब देखो 98 में क्या कहा है क्रोनिक पेनफुल हर्टलेस ट्रीडेबल तो मतलब देखो अब मैं बात करता हूँ आपको देखो 98 का मतलब कि ये जो खतरा जो होता है ये इमरजेंसी रूम सीरियस बैक टू बैक मतलब 98 में करा है क्रोनिक बैक टू बैक रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन एस लंबे समय तक यानी क्रोनिक का मतलब क्या होता है लंबे समय तक पेनफुल मतलब दर्द हर्टफुल टीरेबल नहीं ऑप्शन 98 का क्या होगा आपको 98 का ए यानी क्रोनिक हो जाएगा ठीक है. अब बात आते हैं आगे देखो आगे पोर्टलेस जो गड्ढे होते हैं यहाँ पे लिखो पोर्टलेस हैव बिकम एन फॉर द दोज रोड अब देखो हेल्थ अब क्वेश्चन 19 है हेल्थ रिस्क डेंजर इमिनियंट मतलब इमिनियंट मतलब क्या होता है आपको खतरा ठीक है खतरा तो ये चीज़ें यहाँ पे डेंजरस नहीं यूज होगा हेल्थ रिस्क नहीं होगा इपिडिक नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा इमिनियंट एक वर्ड इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे ठीक है. दोज रोड डॉक्टर्स रिपोर्ट इंक्रीज इन द पेशेंट विथ इंजूरी सीरियस एंड बोन रिलेटेड इन द मानसून मानसून के समय क्या होता है कन्फ्यूजन नहीं जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है कि मानसून जब खराब होता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी इंजूरियस प्रॉब्लम ऐसे रिलेटेड गड्ढों एंड स्पीड ब्रेकर की वजह से तो कॉम्प्लिकेशन नहीं डिफिकल्टी नहीं कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे राइट वर्ड होगा कॉम्प्लिकेशंस. तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर पाओगे जब तक आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बढ़ जाती. कर रहा है ये सिर्फ निगेटिव ऐसे कहा जा रहा था कि पोर्टलोस मतलब जो निगेटिव सेंस में कहा जा रहा है कि जो गड्ढे लगाए जाते हैं रोड पे और स्पीड ब्रेकर्स वो उसकी वजह से टू व्हीलर्स प्रॉब्लम को खतरा बना रहता है मतलब खतरा बना हो जाता है कि वो गिर सकते हैं इससे कट गिरने के बाद कट्स हो सकती है इमरजेंसी रूम में जाके भर्ती हो जाते हैं बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और जब मानसून खराब हो जाता है तब तो डॉक्टर्स बताते हैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट इंक्रीज होने लगते हैं इंजूरी सीरियस होने लगते हैं क्योंकि इसकी वजह से. तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें. हम मिलते हैं सेट 2 में. थैंक यू बाय.